जहां ईडी आईटी के जांच के बाद सत्ता पक्ष के खाते में पैसा डाला गया वो तारीख भी आप सब जानते हैं, आप सबके पास है। हालांकि कितने लोग चला रहे हैं कितने लोग नहीं चला रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन ये सारी सूची आपके पास है। और मजेदार बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा चंदा देने वाला कोई है तो सट्टेबाज ही है। क्या नाम है उसका भाई? फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विस, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। ये 2 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक 2022 को उसके पहले छापा डाला और 1368 करोड़ रुपए चुनावी चंदा दिया गया, सबसे ज्यादा किसी ने दिया है तो ये फ्यूचर गेमिंग वाले दिए हैं। तो क्या ये जो दुबई में बैठे हुए लोग हैं महादेव के डायरेक्टर, उसको इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा है कि इनके बीच में कोई लेन देन तो नहीं हो गया, कोई सौदा नहीं हो गया? मैं पहले भी आरोप लगाया था कि विदेश से इसको लाया क्यों नहीं गया। कौंसलेट जनरल के सामने उपस्थित होकर शुभम सोनी बयान देते हैं, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? ये स्पष्ट है कि अब ये आज जिस प्रकार से मीडिया में बात आई है, 4 मार्च को FIR होने के बाद 17 तारीख को ये प्रकाशित हो रहा है, तो ये सोच समझ के इसको डाला गया है, वो भी दिल्ली से। तो महादेव सट्टा ऐप केस में सबसे ज्यादा कार्रवाई छत्तीसगढ़ में हुई। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि हमारे शासनकाल में हुई, हम ही ने FIR भी दर्ज कराई थी। केंद्र सरकार ने सौरभ चंद्राकर को नहीं पकड़ा, जबकि हमने सौरभ को पकड़कर लाने का जिम्मा जो है वो केंद्र का होता है, जानबूझकर नहीं पकड़ा गया। रवि उप्पल के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया। गूगल को ये कहा गया कि आप इसे बैन करिए, पहले 72 FIR हुई, FIR की कॉपी में 6ठे नंबर पर मेरा नाम है। आज भी महादेव सट्टा ऐप बंद नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में जो प्रोटेक्शन मनी लेने में मेरा नाम नहीं है। ये सारी बातें उन्होंने कही। और सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी ने अगर लिया है तो वो एक फ्यूचर गेमिंग नाम की कंपनी की तरफ से लिया गया है। कई सारे आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। अभिषेक शुक्ल हमारे साथ, हमारे एडिटर जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, यहाँ तो पूरा चिट्ठा खोल कर रखने की कोशिश कर रहे हैं। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि मेरा नाम भी नहीं है, कि मुझे कहीं आर्थिक या प्रोटेक्शन मनी के तहत जिन लोगों ने पैसे लिए उसमें भी मेरा नाम नहीं है। उन्होंने सबसे बड़ी बात तो ये कही कि यह खबर दिल्ली से निकल कर आती है, जबकि FIR रायपुर में हुई और 4 तारीख का मामला ये बता रहे हैं, लेकिन आज ये बात खुल रही है। बिल्कुल पुनीत, देखिए पहला उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा, राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया, और राजनीतिक साजिश का आरोप लंबे समय से भूपेश बघेल इस मसले पर लगाते रहे। हालांकि और भी बहुत सारे, सौरभ चंद्राकर का जिक्र उन्होंने किया और शुभम जो मैं हम बता भी रहे थे कि दुबई से जिसने एक वीडियो जारी किया था ठीक विधानसभा चुनाव के पहले, उसका जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया, प्रोटेक्शन मनी वाला जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया। तो ये बहुत लाजमी सी बात है भूपेश बघेल, और उसके बाद कांग्रेस पर इलेक्टोरल जो बॉन्ड है बीजेपी पर, उस पर वहाँ पर भूपेश बघेल आ गए। लेकिन बहुत सारे पेच यहाँ पर पुनीत ऐसे हैं, ईडी ने बहुत सारे नाम ऐसे भी जाहिर किए हैं जो कि जिसके दायरे में जो अगर यहाँ पर ईडी ने FIR दर्ज की है तो निश्चित रूप से शक की सुई या पूछताछ जो की है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ जाती है, इसीलिए ये पूरा मसला यहाँ तक पहुँचा है। कई इसमें जो अधिकारी हैं उनको इंटरोगेट यहाँ पर पुलिस ने किया, इंटरोगेट करने के बाद भी कई सारे जो मामले सामने आए, कुछ स्टिंग्स भी हुए थे इस मामले पर, वो मामले सामने आए थे। तो ये मामला जितना सामने से दिखता उतना आसान और उतना सरल है नहीं, लंबी चौड़ी इसमें FIR दर्ज हुई है, लंबी चौड़ी चार्जशीट बनी है और काफ़ी समय से, मतलब 1 साल से ऊपर वक्त हो गया है जब ईडी इस पूरे मसले पर खंगाल रही है महादेव ऐप को लेकर। तो इसमें एक के बाद एक तार जुड़ते चले गए हैं, इसीलिए कुछ मिनटों में इस पूरे मसले को सामने ला देना या अपने आप को पाक साफ बता देना इतना आसान है नहीं। एक बात तय है, पूर्व मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ जरूर गई हैं यहाँ पर, क्योंकि उनके खिलाफ बहुत सारे जो एविडेंस होने का दावा यहाँ पर ईडी कर रही है
और उनके आसपास सराउंडिंग एरिया में जो लोग हैं उनके आसपास के बहुत से लोगों पर भी शक की सुई रही, उनसे पूछताछ हुई है, वो जांच के दायरे में है। तो इतना आसान यहाँ पर होगा नहीं, ये जरूर है कि अब चुनाव का वक्त है, तो इसे एक पॉलिटिकल तरीके से उठाने लेकिन की कोशिश यहाँ पर की जाए। इसके साथ ही ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें उन्होंने बीजेपी नेताओं का नाम लिया, उन्होंने कहा है कि एक बंदे ने, एक व्यक्ति जो है उसने वीडियो बनाया, वो ईडी के दफ्तर से नहीं, वो बीजेपी दफ्तर से बनाया गया। गाड़ी की बात कही तो उन्होंने बताया कि ये गाड़ी जो है ये एक बीजेपी नेता के भाई की ये गाड़ी थी, वो गाड़ी उसमें नजर आ रही। कई सारे सवाल उन्होंने, और ये कहीं ना कहीं वो एक कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक षड्यंत्र और बीजेपी की तरफ से रची गई साजिश का हिस्सा है, बना दिया गया। ये बात पुनीत वहां पर विधानसभा में भी, ये गाड़ी से जब रकम पकड़ाई थी विधानसभा में तब भी यही बात सामने आई थी कि तब भी आरोप लगाया गया था कि ये बीजेपी नेता की गाड़ी है। अमर अग्रवाल का जिक्र यहाँ पर, जैसा भी भूपेश बघेल ने किया कि उनके भाई की गाड़ी है। अमर अग्रवाल से सवाल किया गया था, उन्होंने साफ तौर पे इसे खारिज किया था और कहा था कि मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, इस बात को साबित करके दिखाएं कि उनके भाई की गाड़ी है। तो ये बहुत सारे सवाल जो हम कह रहे हैं कि जाँच के दायरे में यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये चीज़ें इतनी आसान होती नहीं जितनी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक कागज़ के जरिए, दो चार पॉइंट्स के जरिए आप अपने आप को पाक साफ यहाँ पर बता दें। जांच के दायरे में, लेकिन कुल मिलाकर भूपेश बघेल अपनी बात यहां पर कहते हुए इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत मुश्किल में फंस सकते हैं। ठीक है, मुश्किल में फंस सकते हैं। भूपेश बघेल, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी आपका इस बातचीत और जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लौटेंगे जल्द कई और खबरों।